हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं। बिब्लियोग्राफी इन द मीन्स दैट यहाँ पे कुछ रेफरेंस होगा और आप यहाँ पे साइट करेंगे कि आप इस सब कंटेंट को आप यूज़ किए हैं आपके आपके प्रोजेक्ट पे और आपके थीसिस पे। सो इसको कैसे करना है, सो दीज आर द फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर टू मेकिंग द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लेते हैं। REF रेफरेंस डॉट बी आई बी, मेक श्योर कि आप डॉट बी आई बी एक्सटेंशन रखें। कर दिए हैं, अभी रेफरेंस कर दिए हैं। तो अभी अभी क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस फाइल का नेम रखना है। सो यू कैन दिस नेम इज नथिंग बट दिस नेम। अभी आपको करना है बिब्लियोग्राफी स्टाइल पे जाके कुछ भी एक स्टाइल चूज कर सकते हैं। लेट सपोज ACM इज द बिब्लियोग्राफी स्टाइल। तो अभी 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 हम लोग करेंगे कि द पेपर इज अबाउट बिब्लियोग्राफी। सो अभी कंपाइल किए करते हैं। सो यू कैन सी हियर रेफरेंस पे भी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे लिखा है द पेपर इज अबाउट बिब्लियोग्राफी। तो अभी हम लोग बीप टेक्स्ट है इसको रेफर साइट करने के लिए, तो अभी हम लोग साइट करेंगे। तो गूगल स्कॉलर पे जाइए, जाने के बाद अब कुछ भी आपका जो पेपर है जिसको आप साइट करना चाहते हैं उसको आप लिख लीजिए। सो मैं कुछ भी IoT बेस्ड कुछ भी पेपर ले रहा हूँ। सो जाने के बाद सोचिए, सपोज दिस इज योर टारगेट पेपर, तो यहाँ पे साइट पे साइट क्लिक क्लिक कीजिए, देन बीप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हाँ, देन आपको उसके बाद इसको कॉपी करना है फुल को, देन रेफरेंस पे जाकर इसको पेस्ट करना है, देन टूल्स पे जाकर बिब्लियोग्राफी को 2-3 times क्लिक कर दीजिए। करने के बाद इस नाम को फिर से कॉपी कर लीजिए, ओनली द फर्स्ट वन इसने खान 2018 IoT। अभी यहाँ पे आपको साइट करना है, सोचिए यहाँ पे आपको साइट करना है। अभी आपको क्या करना है, /SITE साइट, और अभी उस जो नेम को आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिए हैं, अभी क्लिक कीजिए, देखिए ये साइट हो चुका है। अभी मुझे चाहिए यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट हो चुका है, ये आपका पेपर नेम आ चुका है। अभी फिर से आप चाहते हैं कि और भी करना है, और भी 2-3 पेपर साइट करना है, तो आप कैसे करेंगे, दिस इज द मेन एग्जांपल सपोज। तो अभी और एक पेपर ले लीजिए, मैं इस पेपर को साइट कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर साइट, देन बीप टेक्स्ट, या मैंने कॉपी कर लिया, देन साइट, सॉरी आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे, देन उसके बाद फिर से टूल्स पे जाके 2-3 times आपको कंपाइल करना है, देन ये वाला नेम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अंडर दिस साइट देन कंपाइल कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए ये नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 times नहीं आ रहा है। दिस इज बिकॉज कि आप ये जो रेफरेंस फाइल है इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट 2-3 times आप इसको कंपाइल कीजिए। देन अभी आप क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया। सो दिस इज द मेन एग्जांपल। सो दिस पार्ट आपको सिर्फ एक ही बार करना है, बाकी सब आपको साइड करते रहना पड़ेगा। नाउ आप चाहते हैं कि कुछ दूसरे फॉर्मेट पे हो, जैसे कि IEEE वन ऑफ द फेमस फॉर्मेट IEEE ट्रांजेक्शन, सो आप इसका IEEE ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।